हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बांग्लादेश और इंडिया की राइवलरी पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिली है और जब भी दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो बांग्लादेश के खिलाड़ी मुंह से भी क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं और साथ में उनके कमेंटेटर तो अलग ही लेवल पर निकल जाते हैं। तो ऐसे में इस टीम को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। सो टीम इंडिया की इस युवा ब्रिगेड ने बांग्लादेश को इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में मुंहतोड़ जवाब दिया है। ओवरऑल प्रदर्शन और मैच की बात हम करेंगे क्योंकि सिर्फ 211 रन थे डिफेंड करने के लिए टीम इंडिया के पास और 50 रन के अंतर से टीम इंडिया ने इस मैच को बड़ी आसानी से एट द एंड आप कहेंगे जीत लिया। एक वक्त पर जरूर बांग्लादेश की टीम ऐसे जा रही थी कि लग रहा था कि एक तरफा मैच को लेकर के जाएगी, लेकिन इसमें कुछ समझने वाली और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब तक टूर्नामेंट जिस जगह पर हो रहा है वहां पर बाय द टाइम मैचेस के साथ साथ विकेट स्लो डाउन करने लग गए हैं और साथ में गेंद टर्न होने भी लग गई है, तो ऐसे में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो इंडिया के फेवर में नहीं गया। बांग्लादेश ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी की। वजह साफ है कि सेकेंड इनिंग में जैसे शाम होती है टेम्परेचर नीचे जाता है, बल्लेबाजी आसान हो जाती है, विकेट पर गेंद थोड़ा सा अंडर द लाइट्स बेटर आता है। सो पहली इनिंग में बल्लेबाजी मुश्किल है, यह आपने पहले भी देखा है, लेकिन यहां पर इस मैच में इंडिया की बल्लेबाजी में भी कुछ लैप्सेस देखने को मिले और जो हम मेन टीम के साथ देखते हैं कि कई बार कुछ खिलाड़ी उस तरह से बड़े मैच में परफॉर्म नहीं करते, वो चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलेगी क्योंकि स्टार्ट बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला लेकिन वो बड़े टोटल में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले ओपनिंग पेयर की बात होगी। सो ओपनिंग स्टैंड तो ठीक कह सकते हैं कि 24 रन साई सुदर्शन की तरफ से लगे और अभिषेक शर्मा ने भी 32 रन की पारी खेली, लेकिन उसमें प्रॉब्लम थी कि डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा अभिषेक शर्मा ने खेल ली और जब डॉट बॉल्स आप बहुत ज्यादा खेल लेते हैं तो फिर प्रेशर आपके ऊपर बनता है क्योंकि आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपको टारगेट सेट करना है, तो हमेशा एक नजर रहती है कि आप 250-300 रन के आसपास का टोटल कम से कम बनाएं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेशर जरूर आता है और अभिषेक शर्मा उसी में गलती की उन्होंने शॉट्स खेलने के चक्कर में। शायद रोटेशन ऑफ स्ट्राइक अगर बेटर होता और समझ पाते कि इस विकेट पर हमारे लिए 225-250 रन बहुत होंगे तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेल जाते और रोटेट करने की तरफ ज्यादा देखते इंस्टीड ऑफ बिग सिक्सेस, तो एक तो उनकी खुद की पारी बड़ी हो सकती थी और दूसरा टीम का टोटल भी ऐसी जगह पहुंच सकता था जहां से आप मेक श्योर करते कि इंडिया की टीम आराम से जीत जाएगी। तो वो इनएक्सपीरियंस इन दिस बैटिंग ऑर्डर देखने को मिला और ये गलती सिर्फ अभिषेक शर्मा ने नहीं की, ये गलती निकिन जोस ने भी की, ये गलती निशांत सिंधु ने भी की, ये गलती बाकी बल्लेबाजों ने भी की कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक एक इशू रहा। चूंकि ये सारे बल्लेबाज जिस तरह के विकेट्स पर खेलते हैं और आजकल की क्रिकेट जैसी हो गई है, इस तरह के विकेट कम देखने को मिलते हैं जहां पर आपको स्किल प्ले में लानी पड़ती है और अपनी जो सिंगल निकालने वाली स्किल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसको प्ले में लेकर के आना पड़ता है। सो वो चीज देखने को नहीं मिली इंडियन बल्लेबाजों से अगर बात की जाए। सो सारे बल्लेबाज स्टार्ट सबको मिले, आए बड़े शॉट खेले और आउट होके चले गए, कोई एक चौका दो चौका छक्का लगा के चला गया, तो वो चीज आई थिंक एक इसमें इंपॉर्टेंट ये भी रही कि बाकी जो बल्लेबाज थे चार नंबर के बाद के उनको बल्लेबाजी करने का मौका भी इस टूर्नामेंट में इन कंडीशन में मिला नहीं था, तो वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं जरूर बनता है। लेकिन यस ढुल की तारीफ करनी पड़ेगी, जो गलती बाकी बल्लेबाजों ने की वो उन्होंने नहीं की, उन्होंने और चांसेस लिए अर्ली ऑन, उसके बाद रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की तरफ भी देखा और आई थिंक एक कप्तानी पारी आप कहेंगे क्योंकि एंड तक अपने कंधों पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गए और लास्ट के ओवर्स में भी उन्होंने मेक श्योर किया कि टीम एक ऐसे टोटल तक पहुंचे जहां पर हम फाइट कर सके। 211 मैच विनिंग टोटल नहीं था लेकिन उन्होंने टीम को इतना दे दिया था कि आप लड़ सकते हैं। अगर यही टोटल 140, 50, 60 के रेंज में होता तो डेफिनेटली बांग्लादेश की टीम के चांसेस ज्यादा रहते, लेकिन 211 एटलीस्ट गेंदबाजों के पास कुछ है, आप उस पर लड़ाई कर सकते हैं। दूसरा इस टीम की जो ताकत है, ताकत क्या है कि ऑलराउंडर्स बहुत ज्यादा है और बैटिंग डेप्थ बहुत अच्छी है, यहां पर काम आई है। सो मेन टीम में जब आप देखते हैं ना बल्लेबाज आपके खेलते हैं तो 6-7 के बाद आपकी बल्लेबाजी खत्म हो जाती है,
यहां तो सारा खेल ही मानव सूत्र से शुरू हुआ था, क्योंकि मेन बल्लेबाज तो सारे 10-10, 15-15, 20-20 रन बना करके चले गए, लेकिन मानव और यश धूल के बीच जो पार्टनरशिप लगी 50 रन के आसपास की, वो मैच चेंजिंग जो है वो पार्टनरशिप थी, क्योंकि 150 और 200 के बीच का अंतर वो पार्टनरशिप थी। और मानव सुधर ने भी बल्लेबाजी में ये दिखाया कि वो कितनी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और बेल सेट थे वो भी लॉन्च करने के लिए तैयार थे, और ये पार्टनरशिप थोड़ी लंबी और होती, इंडिया विकेट्स इन हैंड रख पाती तो शायद 250 तक भी पहुंचते। अनलकी रहे, वो रन आउट हो गए, उनके रन आउट ने शायद ये 30 रन के अंतर जो है वो मैच में कहीं ना कहीं डाल दिया। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला राजवर्धन हंगरगेकर की तरफ से, और एंड में यश धूल ने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा ली। सो ऑल एंड ऑल आप अगर समझें, नीचे के जो टेलेंडर्स थे, जो ऑलराउंडर कहना चाहते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं हर्षित राणा, मानव सूथर, राजवर्धन हंगरगेकर, इन सब ने जो कंट्रीब्यूट किया है ना मिलाकर के, वो आपका 150 और 200 के बीच का अंतर था। यश धूल की पारी नो डाउट एक तरफ से सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, बट आपको दूसरा कंधा भी चाहिए था टीम इंडिया को लिफ्ट करने के लिए। वो कहीं ना कहीं जो ये आपका लोअर ऑर्डर था जिसने कंट्रीब्यूट किया, और वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन आप एट द एंड कहेंगे, जो 150 और 200 के बीच का अंतर बना। सो ऑलराउंडर होने का, बैटिंग डेप्थ होने का ये फायदा आपको कहीं ना कहीं मिलता है, जो कल के मैच में मिला। लेकिन जब गेंदबाजी की बात आएगी, इंडिया ने शुरू अच्छा नहीं किया, और स्पेशली यश धूल, जब आप 200 रन डिफेंड करने होते हैं तो आप कोशिश ये रहती है कि आप पहले 10 ओवर में 2 विकेट एटलीस्ट आप जरूर निकालें, और 2 विकेट आपको निकालने हैं तो आपको अग्रेसिव स्टार्ट करना पड़ेगा। जरूर एक तरफ से युवराज डोडिया से शुरू किया ऑफ स्पिनर, चूंकि 2 लेफ्ट हैंडर सामने थे, लेकिन युवराज डोडिया को स्लिप भी देनी थी, क्योंकि 2 एजेस निकले जो शायद कैच में कन्वर्ट हो सकते थे, लेकिन उनके पास स्लिप नहीं थी। और बांग्लादेश पहले ओवर में ही जिस तरह से स्टार्ट किया, तो वो मतलब फुट ऑन द पैडल उन्होंने पहले ओवर से ही रखा, और फिर अगले 10 ओवर शायद इंडिया कैचअप गेम ही खेल रही थी, और यश धूल भी शुरू के पहले 10-12 ओवर वेटिंग गेम खेल रहे थे कि विकेट गिरे तो फिर मैं अपने प्लॉय को जो है वो लेकर के आऊं, और बाकी टैक्टिक्स फिर बाद में उन्होंने दिखाए। और ये तो था कि बाय द टाइम गेंद टर्न जरूर होगा, पहली पारी में भी हुई थी, और जिस तरह का विकेट था तो वो थोड़ा सा वेट ज्यादा देर कर दिया। अब उसी में ये मैच बांग्लादेश सेंसिबल बल्लेबाजी कर जाती तो निकल गया था। सो पहले अटैक करना बहुत जरूरी होता है, कि आप इनिशियली अगर सामने वाली टीम पर प्रेशर डाल दें तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। हालांकि ये कैरेक्टर की बात है कि आप बिल्कुल नीचे लगे हुए थे, पीठ एकदम दीवार में सट गई थी, और वहां से आपने वापसी की है, बिल्कुल काबिले तारीफ है, लेकिन ये नौबत आने नहीं देनी, क्योंकि यही चीज इंडिया को हर बड़े आईसीसी के इवेंट में मुश्किल में डालती रही है। लेकिन गेंदबाजी में भी आपको जब सेट बल्लेबाज आउट करना हो तो आपको क्वालिटी की जरूरत होती है, आपको पार्ट टाइमर सेट बल्लेबाज को आउट करके नहीं जा सकता। और मानव सूतर ने जो गेंदबाजी डाली है, आई कैन से अबाउट हिम, सी जितने लेफ्ट आर्म स्पिनर आ रहे हैं और अभी के टाइम में देखने को मिले हैं, ही इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ स्किल अगर बात की जाएगी। इस विकेट पर उतना टर्न एंड बाउंस नहीं था, बट आपने देखा ध्रुव जुरेल कहां गेंदें पकड़ रहे थे। आप इमेजिन करिए कि जिन विकेट्स पर बाउंस रहता है वहां पर मानव सुधर गेंदबाजी करेंगे तो गेंद कहां पकड़ेंगे जाके ध्रुव जुरेल, कमाल की स्किल आप कहेंगे। एक तो रिलीज जो हम पिछले मैचेस में भी हमने बात की थी जिस तरह का है, जो स्पिन उनके हाथ से गेंद होती है, तो टर्न के साथ बाउंस ये बहुत ही डेंजरस चीज है। और बेटर विकेट जहां पर गेंद टर्न के साथ बाउंस होती है, ये तो स्लो विकेट है उतना बाउंस नहीं है, तो यहां पर ये स्किल सेट उन्होंने आपको दिखाया है। और जो सेट बल्लेबाज को आउट करने की बात कर रहा था, जो क्वालिटी और क्लास चाहिए होती है वो मानव सूतर ने प्रोड्यूस की है, लेकिन इन एक्सपीरियंस बाय द टाइम सीखना पड़ेगा कि जब विकेट से थोड़ी हेल्प आपके लिए हो, टर्न हो विकेट से आपके लिए मौजूद हो, तो आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी, क्योंकि शुरू के 2 विकेट उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की, अच्छे एरियाज में की, लेकिन बाद में वो बहुत ज्यादा कोशिश करने लग गए थे। जो गेंद उनकी मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप से टर्न होकर बाहर की तरफ जा रही थी, तो वो कोशिश करने लग गए कि मैं लेग स्टंप या लेग स्टंप के बाहर से टर्न करा के जो है वो बैट्समैन को कॉट बिहाइंड करवा दूं या बोल्ड निकाल दूं, तो इतना होता नहीं है। फिर ये बहुत ज्यादा हो जाता है कि आप ड्रीम डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि वो गिरेगी, लेग स्टंप पर पिच होगी और टॉप ऑफ हाफ स्टंप लगेगी और विकेट निकाल करके लेके जाएगी। उसी कड़ी में आप देखेंगे कि जब लेफ्ट हैंडर को गेंदबाजी कर रहे थे कि अगेंस्ट द स्पिन मैं उसको ड्राइव करवाऊं, अब अगेंस्ट द स्पिन ड्राइव करवाना तो ठीक है, बट बिल्कुल आगे आप मुंह में दे देंगे तो फिर तो आपको चौका पड़ेगा। तो वो कोशिशें जो कर रहे थे, वो कोशिश के उनको नंबर मिलेंगे, लेकिन सम टाइम आपको एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी होती है। जब चीजें
आपके लिए ऑटोमेटिकली विकेट करके दे रहा है, तो आपको बेसिक्स ठीक रखने होते हैं, सही लाइन और लेंथ पर लगातार कंसिस्टेंट गेंदबाजी करनी होती है और सामने वाले के पेशेंस के साथ आपको खेलना पड़ता है। सो अपने को इम्पेशेंस नहीं बनाना, तो ये चीजें शायद मानव सूतर एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे और इन टर्म्स ऑफ टेम्परामेंट जो है वो बेटर गेंदबाज बन के निकलेंगे। स्किल वाइज तो नो डाउट उन्होंने जो अब तक इस टूर्नामेंट में दिखाया है, ही इज द बेस्ट स्पिनर अराउंड, अगर आप जूनियर क्रिकेट में बात कर रहे हैं वहां पर अगर बात की जाए। उसके अलावा निशांत सिंधु ने बहुत ही जबरदस्त गेंद डाला। अब मानव और निशांत में अंतर कितना है, निशांत सिंधु एक एरिया पकड़ के गेंद डालते रहे, उन्होंने फ्लाइट भी की, ऐसा नहीं है कि उन्होंने गेंदबाजी में कुछ नहीं किया, उन्होंने फ्लाइट की क्योंकि उनको भी पता था कि हमें विकेट्स निकालने हैं, बल्लेबाजों को ललचाना पड़ेगा, आगे बुलाना पड़ेगा, गेंद टर्न हो रही है, तो वो सारी चीजें की। बट निशांत वॉज मोर कंसिस्टेंट अबाउट हिज लाइन एंड लेंथ, मानव सूतर वॉज नॉट, ये दोनों में डिफरेंस था। आप दोनों की गेंदबाजी में अगर आप देखेंगे अच्छी दोनों ने की है, बट निशांत को ज्यादा विकेट क्यों मिले हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लाइन और लेंथ पर उन्होंने गेंदबाजी की है और वहीं से गेंद वो उनकी बाहर जाती रही, बाकी बल्लेबाज बहुत ज्यादा गलतियां करते रहे, तो उसकी वजह से फिर उनको नंबर ऑफ विकेट्स ज्यादा मिले और मानव को देखेंगे वो ज्यादा कोशिश कर रहे थे। तो ये कई बार सीखने वाली चीज होती है और निशांत हैज मोर एक्सपीरियंस देन मानव सूतर, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले हैं, आईपीएल फ्रेंचाइजी का भी हिस्सा रहे, रणजी ट्रॉफी भी खेल रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस की जो बात होती है वो निशांत सिंधु ने अपना पूरा प्ले में लाया और बाकी अपनी स्किल टर्न कराने के लिए जो उनमें दिख रही है, आई थिंक ही इज लुकिंग ब्यूटीफुल ऑलराउंडर टू कम फॉर इंडियन क्रिकेट। बल्ले से रन भले ही यहां पर ना बने हो लेकिन 5 नंबर का बल्लेबाज और गेंदबाजी में स्किल, कमाल का प्लेयर मैं कह सकता हूं। बाकी और गेंदबाजी की बात होगी, सो कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन, जैसे अभिषेक शर्मा ने 1 विकेट बाई किया, तो उनके भी एक्सपीरियंस की बात है कि किस तरह से इस सिचुएशन में विकेट्स डिमांड है उस वक्त कैसे निकाला जाए, आप बाई कर सकते हैं विकेट, क्योंकि इंडिया के लिए विकेट निकाल करके ही मैच जीत सकते थे, तो फ्लाइट किया, इन्वाइट किया और बल्लेबाज को आड़ा शॉट लगवाया और फिर वो पॉइंट पर उन्होंने कैच आउट कराया। ये सब तो गेंदबाजों की बात है, लेकिन इन सब में जिस खिलाड़ी की चर्चा आपको करनी पड़ेगी वो है निकिन जोश। वो क्यों, जब टीम का मोराल बिल्कुल डाउन था, लग रहा था कि टीम कुछ हो नहीं रहा, चीजें हो नहीं रही हैं और फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज भी नीचे जा रही थी, उस वक्त पर निकिन जोश ने जो कैच पकड़ा, 2रा विकेट जो गिरा था, और उसके बाद उन्होंने स्लिप में जब सारे फील्डर अपील कर रहे हैं LBW की और उन्होंने स्लिप में जो कैच, उनका पूरा ध्यान, प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आप कहेंगे वो गेंद की तरफ था, वो कैच उन्होंने पकड़ा। फिर आप शॉर्ट मिड ऑफ पे जो उन्होंने कैच पकड़ा, क्लोजिंग पोजीशन में जो उन्होंने कैच पकड़ा, सो उनकी कैचिंग ने इंडिया को गेम में रखा और शायद जो विकेट गिरते रहे उस वजह से, उससे टीम का मोराल बना रहा और फाइट बैक जो इंडिया का था वो जबरदस्त देखने को मिला। इन सब में युवराज डोडिया थोड़ा सा मिस आउट कर गए, पहला मैच खेल रहे थे इस टूर्नामेंट का और दूसरा वो भी काफी कोशिश करते हुए नजर आए। जरूर यशदुल ने शुरू में उनको स्लिप नहीं दी, जो एजेस निकले तो वहां पर उनके लिए विकेट की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन वो भी बहुत बार ड्रिफ्ट कर गए लेग साइड में और कई बार शॉर्ट गेंद कर गए, कई बार मुंह में दे दी, तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आने वाली चीजें हैं। तो इन एक्सपीरियंस ऑब्वियसली आपको दिखेगा टीम में जब बहुत सारे युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो कुछ डिफरेंट लेवल पर खेल चुके हैं वो टेम्परामेंट वाइज ज्यादा दिखेंगे। मैं निकिन जोश के टेम्परामेंट की बात जरूर करूंगा, जो कर्नाटका के लिए संकट मोचक रहे पिछले सीजन में, तो वो उन्होंने दिखाया कि उनके पास क्या कैरेक्टर है, क्या प्रेजेंस ऑफ माइंड है, क्या गट्स है। बल्लेबाजी में स्किल भले ही थोड़ी सी कम हो बट कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लेयर भी बहुत कमाल का है, क्योंकि इंडिया की जीत में जितना कंट्रीब्यूशन यशदुल की बल्लेबाजी का था, निशांत सिंधु की गेंदबाजी का था, मेरी नजर में उतना ही कंट्रीब्यूशन निकिन जोश की वो स्मार्ट फील्डिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड और ग्रेट कैचिंग का था, तभी जाके टीम इंडिया ने इस मैच में 211 रन के टोटल को चेज किया है और बांग्लादेश के बल्लेबाज जो लगातार मुंह चला रहे थे और बकवास कर रहे थे, तो उस बकवास का जवाब इसी तरह से, उस बदतमीजी का जवाब इसी तरह से, मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत अपने परफॉर्मेंस से थी जो टीम इंडिया ने दे करके दिखाया। सो दोस्तों ये था ओवरऑल इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल का रिव्यू। बाकी इंडिया की टीम पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में खेलेगी, सो एक बार फिर से आपको इंडिया पाकिस्तान देखने को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपको।